नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कैथल जिले के विधायक भाई लीला राम, जिनसे हम जानेंगे कुछ हाल फिलहाल के सवाल और जवाब करेंगे उनसे। हालांकि वो वॉली खेल रहे थे, ये देखिए हमारे विधायक जी कितने सेहत के प्रति जागरूक हैं कि वो भी हेल्थ कॉन्शियस है और स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार जी। सर, अभी कुछ दिन पहले जो है मुंदड़ी के लोग आपके चौखट पर आए थे, दरवाजे पर आए थे, और उन्होंने आपसे गुहार लगाई थी कि जो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी की जगह जटेड़ी शिफ्ट किया जा रहा था, पुंडरी शिफ्ट किया जा रहा था, उस पर आपका क्या पक्ष है और अब उस मामले का किस तरह निपटान आपने किया? नहीं, इसके बारे में तो क्लियर है, मैंने पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी और मुख्यमंत्री ने तब पहले भी कहा था, पहले मैं इससे काफ़ी पहले एक बात पहले भी सुनने में आई थी कि यहाँ से ट्रांसफ़र होगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो 4000 वोट का गाँव है और हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, मुंदड़ी में ही यूनिवर्सिटी बनेगी। और मैं अब भी दोबारा से कहता हूँ कि ये इस प्रकार की अफवाहें हैं, संस्कृत विद्यालय मुंदड़ी के अंदर ही बनेगा जी। मतलब सर, मुंदड़ी के लोग पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि उन्हें इस बात से अब निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ये बात उठा रहे थे कि मुंदड़ी में जो विश्वविद्यालय बन रहा था उसे दो भागों में बांटा जा रहा है कि 22 एकड़ जमीन वहाँ, 32 वहाँ, टोटल 54 एकड़ करने के लिए। तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैंने भी सुना है कि गाँव जटेड़ी वालों ने जमीन दी है, परंतु यूनिवर्सिटी तो यहीं पर बनेगी मुंदड़ी के अंदर। वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी अपना कोई विभाग खोल सकती है, पेड़ पौधे लगा सकती है, मान लो इस प्रकार की जमीन देने से तो कोई मना नहीं कर सकता ना, परंतु महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी के अंदर ही बनेगा और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का वायदा है। और मेरी मुख्यमंत्री जी से ही बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था इस प्रकार की कोई बात नहीं, मुंदड़ी के अंदर ही बनाएंगे हम। सर, हाल फिलहाल में एक 75% जो आरक्षण है प्राइवेट क्षेत्र में, यानी कि निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण हरियाणा के युवाओं को मिलेगा, ऐसी क्या घोषणा है और इस पर आपका क्या पक्ष है? सर, मैं इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये एक तरह से कानून बना दिया कि जो हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं गुड़गांव में, फरीदाबाद में, पानीपत में, यमुनानगर में, तो यहाँ के युवाओं को तो छोड़ देते थे और जो कांग्रेस टाइम में, परंतु यहाँ पर अब कानून बना दिया कि 10% बाहर के और बाकी 75% हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, और वो भी जिले के हिसाब से, हर जिले के 10% के हिसाब से उसमें नौकरियाँ दी जाएंगी। सर, एक 50% आरक्षण जो है सरपंची के चुनाव में महिलाओं को दिया गया है, 50% आरक्षण, तो उस पर आपका क्या कहना है? सर, इसके लिए भी आज पूरे हरियाणा प्रदेश की महिलाएँ और पार्टियों के वर्कर भी सारे इस फैसले का स्वागत करते हैं, इवन के दूसरी पार्टियों के लोगों को भी हमने सुना है, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हरियाणा सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया, मैं भी इसका आपके माध्यम से स्वागत करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ लीला राम, विधायक कैथल हल्के के, जिन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय मुंदड़ी की जगह जो जटेड़ी शिफ्ट करने की बात हो रही थी, मुंदड़ी के वासियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, विश्वविद्यालय वहीं का वहीं रहेगा, जो का तो रहेगा। और वहीं उन्होंने 75% आरक्षण जो निजी क्षेत्र में सरकार ने हरियाणा के युवाओं के लिए जो ऐलान किया है, और साथ में 50% आरक्षण महिलाओं को सरपंची के चुनाव में, यानी सरपंची की सीट्स में दिया है, उसका भी उन्होंने स्वागत किया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद किया है। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से अपने सहयोगी कैमरामैन कुलदीप तंवर के साथ।